सब्सक्राइब करें रोहित टेक टॉक को और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। दोस्तों आज की हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल फॉर बिजनेस एप्लीकेशन से आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर जाकर बताएंगे ये काम कैसे आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है पासवर्ड चेंज करना, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप यूज़र का पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपको जो यूज़र में आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है उसी नंबर से आपका पासवर्ड भी चेंज होगा। जब आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो उसमें उस नंबर पर OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और वो OTP आप जब डालेंगे तब भी आप वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद आप उसका पासवर्ड ईजी तरीके से चेंज कर पाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे और ले जाके बताएंगे वहाँ पे कैसे ये काम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के होम पेज पे आना और आपको यहाँ पे इंडियन ऑयल का एप्लीकेशन आपको मिलेगा, यहाँ से आपको सिंपली इस पे आना है। आने के बाद नीचे में आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यूज़र नंबर मांगेगा, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़र नंबर होगा, जिसका भी आप यूज़र नंबर चेंज करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर यूज़र नंबर डालेंगे। डालने के बाद नीचे में जो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको सेंड OTP का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर पे मैसेज आएगा जिस यूज़र में आपने नंबर दिया है, ठीक है, उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको इसी तरीके से यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे अपना OTP डाल देंगे, डालने के बाद आपका सामने कुछ नया इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे देखिए अभी OTP आया नहीं है, फिलहाल कुछ देर वेट करते हैं। अभी देखिए OTP आ गया है, तो यहाँ पे हम अपना OTP दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे क्रिएट रिसेंट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड इजी तरीके से डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देंगे तो आपका यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा। जैसे सक्सेस लिख के आएगा तो समझिए आपका जो नया पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पे इजी तरीके से अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। अगर आपको पासवर्ड चेंज करने में दिक्कत आता है तो यहाँ पे नीचे में देखेंगे कुछ एग्जांपल के तौर पर बताए गए हैं कि आप उसे किस तरीके से यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको तरीका समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।